सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और डालेंगे कटहल का प्यूरे। मैंने यहाँ पे 1.5 कप कटहल प्यूरे लिया है। अभी मैं डालूंगी 1 कप चीनी। कटहल ज़्यादा मीठा था तो मैं चीनी 1 कप यूज़ कर रही हूँ। अब ऐड कर दूंगी 1 चुटकी नमक। नमक टेस्ट को बैलेंस करेगी। अगर कटहल कम मीठा हो तो आप चीनी को बढ़ा भी सकते हैं। और इसे हम खूब अच्छा से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। अभी मैं ऐड करूंगी 2 कप मैदा। और इस मिक्सचर में हम धीरे धीरे मैदा को ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक अच्छा बैटर तैयार कर लेंगे। हमारा बैटर अभी रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अभी हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे और डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल अब हमारा गरम हो चुका है। एक एक करके स्पून की हेल्प से हम पकोड़े तल लेंगे। हीट को मीडियम या लो ही रखें। दो या फिर 3 मिनट बाद हम पलट देंगे। पकोड़े हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। आप देख सकते हैं कलर अभी बिल्कुल चेंज हो गया है। और इसे हम निकाल लेंगे। फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे सेकंड बैच। और सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको पकोड़े तल लेने हैं। आप चाहे बैटर को फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और जब खाने का दिल करे तो तल के खा सकते हैं। हमारा कटहल पकोड़े अभी रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।